हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटर सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जावा पी टूल के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप जावा पी टूल का यूज बेटर तरीके से कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा पी टूल का जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट क्या यूज है। जावा पी टूल का यूज क्लास फाइल को डिसेंबल करने के लिए किया जाता है। अब ये डिसेंबल प्रोसेस क्या होता है? आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हो तो उसकी एक क्लास फाइल बनती है जो कि उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। आप उसको वापस से इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप प्रोग्राम बनाते हो उसी फॉर्म में वापस से कंसोल पर देखना चाहते हो, तो ये प्रोसेस डिसेंबल प्रोसेस कहलाता है और आप जावा पी टूल की हेल्प से ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं उस प्रोसेस को अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऐसा कर पाएंगे। आपने यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रखा है, अब इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो पर्सन नेम का आपने क्लास बनाया है, ठीक है, इसके लिए हम पर्सन डॉट जावा नेम की फाइल को कंपाइल करते हैं। अब हमने इसको कंपाइल कर लिया है। कंपाइल करने के बाद इसका डॉट क्लास एक्सटेंशन वाला फाइल बन गया होगा, जिसका जो फॉर्म है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सन डॉट क्लास। तो ये जो आपने अभी कंपाइल किया है उसके बाद ये फाइल बना है, इसका एक्सटेंशन डॉट क्लास है और ये एक ऑब्जेक्ट फाइल है। अब वापस से आपको इस ऑब्जेक्ट फाइल से उसी फॉर्म में कोड निकाल कर कंसोल पर देखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है जावा पी और उसके बाद केवल क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है? पर्सन। अब मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उस फाइल के इनसाइट जो प्रोग्राम आपने बना रखा था वो पूरा इसने वापस से डिसेंबल कर दिया है कंसोल पर। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बात किया जावा पी टूल के बारे में। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।